रांची से, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 17 में से 12 सीटों पर गुरुवार को 3 बजे तक मतदान संपन्न हो गया, जबकि 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। मतदान के दौरान बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। इस चरण में झाविमो प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह व शिक्षा मंत्री नीरा यादव समेत 309 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं मतदान से जुड़े कुछ जरूरी दृश्य। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या 32 है। वहीं तीसरे चरण में 12 सीटों पर सिल्ली, खिजरी, कोडरमा, बरही, बड़का गांव, मांढू, हजारीबाग, सिमरिया, धनवार, गोमिया, बैरमो व ईचागढ़ से सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान हुआ। वहीं 5 सीटों रांची, हटिया, कांके, रामगढ़ और बरकट्टा में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इधर तीसरे फेज में चुनाव में 3 बजे तक 57.48% वोटिंग हुई है। 2014 में इस चुनाव में इन सीटों पर 62% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। मांडू के बूथ नंबर 189 का ईवीएम खराब होने की वजह से 8.45 तक भी मतदान नहीं हो सका। खलारी के बूथ नंबर 30 पर कंट्रोल यूनिट खराब रहने से 20 मिनट देर से मतदान शुरू हुआ। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और हटिया से भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री व झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी व कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अपनी बेटी के साथ किया मतदान। जी, हजारीबाग से चौपारण के केसठ बूथ नंबर 109 पर ईवीएम खराब होने से 3 बार मतदान कार्य रोकना पड़ा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।